वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम लिसेंट की सीरीज़ को कर रहे थे जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सोर्सेज को कंप्लीट किया था और आज हम प्री हिस्टोरिक पीरियड को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसमें सबसे पहले हमें जो देखना है दैट इज़ द ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन का मतलब होता है कि कैसे जो मानव है उसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे उसका ओरिजिन हुआ है, वो हमें इसमें पढ़ना है, कैसे हम डेवलप हुए हैं। तो गाइस, सब पहली लाइन बोल रही है कि अफ्रीका वॉज द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ ह्यूमन। जो सबसे पहले अगर जो ह्यूमन कहीं पर था या फिर जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है वो है अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे पहले इंसान का जन्म हुआ, इसीलिए हम अफ्रीका को क्रेड ऑफ ह्यूमन काइंड भी बोलते हैं। गाइस, इसके पीछे दो थ्योरीज हैं जो ये मानती हैं कि जो ह्यूमन है उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें पहली थ्योरी है यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी और दूसरी थ्योरी है पैरेलल ओरिजिन थ्योरी। जो आज तक जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसको हम आज ही मानते हैं वो यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी है। और सो देख लेते हैं यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी क्या कहती है। वाइस, यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी जो है वो कहती है कि जो ह्यूमन है वो सबसे पहले तो अफ्रीका में डेवलप हुआ है, वहाँ से उसका ओरिजिन है, और उसके बाद में जब वहाँ पर वो इवॉल्व हो गया तब उसने अफ्रीका से अलग अलग रास्ते पकड़कर पूरी दुनिया के अलग अलग जगह पर वो आकर रहने लगा, वहाँ पर सेटल हो गया। और दूसरी थ्योरी का नाम है पैरेलल ओरिजिन थ्योरी। वो थ्योरी क्या कहती है कि ह्यूमन अफ्रीका से ओरिजिन हुआ ही नहीं है, वो पूरी दुनिया में पहले से ही अलग अलग जगह पर उसका जन्म हुआ था और वहीं पर वो रहता है, वहीं से वो डेवलप हुआ है। उसने ये माना है कि एक ही टाइम पर वो पूरी दुनिया में अलग अलग प्लेसेस पर ह्यूमंस थे। अब इस टेबल को समझ लेते हैं जो कि ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड है। इसमें जो पहली पिक्चर हमें दे रखी है उस स्टेज का नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो पिक्चर दे रखी है या फिर ये जो हमारी स्टेज है ये हमारे अर्ली एंसेस्टर हैं, ह्यूमन के अर्ली एंसेस्टर हैं। इनके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स कहाँ तक कहाँ मिले हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ अफ्रीका में इनके आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स हैं वो मिले, यानी कि अवशेष मिले हैं। फॉसिल्स में हमें चाइल्ड का स्कल मिला है और ल्यूसी जो फीमेल स्केलेटन है वो मिला है। गाइस, ल्यूसी जो है उसको हम मदर ऑफ मैन बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ल्यूसी को बोलते हैं। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिर्फ अफ्रीका तक ही लिमिटेड हैं ये। स्पेशल फीचर्स, इनको अपने हाथों का फ्री यूज़ करना आता था। नेक्स्ट स्टेज है होमो इरेक्टस। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि अर्लीस्ट बाइप्ड ह्यूमन है ये। इनके अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं, अफ्रीका में मिले हैं, एशिया में मिले हैं और यूरोप में भी मिले हैं। फॉसिल्स इनके इंडिया में भी मिले हैं, जैसे कि हाथनोरा जो कि नर्मदा के किनारे एक गांव है जहाँ पर हमको इसका फॉसिल मिला है, एक फीमेल स्कल मिला हुआ है जो कि मध्य प्रदेश में है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो काफ़ी एक्सटेंसिव है, अफ्रीका एशिया एंड यूरोप को कवर करता है। इनके फीचर्स की बात कर लेते हैं, फीचर्स ये हैं कि इनको आग का यूज़ करना आता था, इन्होंने आग की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट स्टेज इज होमो सेपियन नियंडरथल। इनका नोमेनक्लेचर जर्मन नेम के ऊपर है। इनके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो हैं, अवशेष हैं, वो अफ्रीका एशिया और यूरोप में मिले हैं। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि पहले था वही सेम है, अफ्रीका एशिया एंड यूरोप। स्पेशल फीचर्स क्या है कि इनको दफनाना आता था, जो डेड हो जाते थे उनको कैसे ब्यूरी करना है इन्होंने ये स्टार्ट किया था, तो स्टार्टेड ब्यूरिंग देयर डेड। और जो लेटेस्ट एंसेस्टर हैं ह्यूमन के वो हैं होमो सेपियन सेपियन, जिनकी इम्पोर्टेंस वही हमने बताई दी है कि ये क्या है, लेटेस्ट एंसेस्टर है मॉडर्न मैन के। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो इनके अवशेष पूरी दुनिया पर हर जगह मिलते हैं, पूरी दुनिया पर ही ये रहते थे और इनके अर्ली साइन है इवोल्यूशन के। थ्री ह्यूमन रेसेस को इन्होंने इवॉल्व किया है। ये तो हो गया ह्यूमन का इवोल्यूशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो हम आज ही कवर करेंगे वो है स्टोन एज, जो कि 30 लाख BC से 1000 BC तक का टाइम पीरियड है। अर्ली पीरियड जो है ह्यूमन का उसकी बात की जाए तो जो है इसको हम स्टोन एज क्यों कहते हैं, मेन बात ये है कि इसको स्टोन एज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो हमें अर्ली टाइम के जो एविडेंसेस मिले हैं वो बहुत सारे पत्थर के रूप में ही मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं, पत्थर के ही हमें और सारे टूल्स वगैरह मिले हैं, इसीलिए इस पूरी एज को हमने लिथिक
एज या फिर स्टोन एज कह देते हैं। लिथिक का मीनिंग होता है स्टोन, ठीक है। अब जो स्टोन एज है इसको हमने 3 पीरियड में डिवाइड कर रखा है, पैलियोलिथिक एज जिसको ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, मीसोलिथिक एज जिसको मिडिल स्टोन एज बोलते हैं, एंड नियोलिथिक एज जिसको न्यू स्टोन एज बोलते हैं। ये टाइम पीरियड देख रहा है, लाइफ स्टाइल, इम्प्लीमेंट्स, ये सारी, ये टेबल हमें याद नहीं करनी है क्योंकि ये सारा डिटेल में अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो स्टेज है वो है पैलियोलिथिक एज या फिर ओल्ड स्टोन एज जिसको आज हम देखने वाले हैं, जिसका टाइम पीरियड है 30 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का टाइम पीरियड किसका है, पैलियोलिथिक एज या फिर ओल्ड स्टोन एज का। गाइस जो पैलियोलिथिक टर्म है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है, पैलियो जिसका मतलब होता है ओल्ड एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन, इसका मतलब ही हो गया ओल्ड स्टोन एज। इंडिया में जो है पैलियोलिथिक एज की खोज या फिर पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड जो टूल्स हैं उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज जो की है वो है रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। इन्होंने हमारे इंडिया में कुछ ऐसे अवशेषों को ढूंढा है जिससे कि हमें पता चलता है कि पैलियोलिथिक एज में भी हमारे इंडिया में भी लोग रहते थे। अब उन्होंने क्या चीज़ ऐसा ढूंढा था, उन्होंने एक इम्प्लीमेंट ढूंढा था, क्या ढूंढा था, एक हैंड एक्स, हैंड एक्स कुल्हाड़ी को इन्होंने ढूंढा था तमिलनाडु से, जिससे कि हमको पता चलता है कि इंडिया में भी पैलियोलिथिक एज के लोग रहते थे। और इसी खोज की वजह से हम आरवी फूट को फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कहते हैं इंडिया में, ठीक है। 1982 में एक और खोज हुई जिसको करा है अरुण सोनकिया ने, इन्होंने हथनोड़ा से एक भीमन का स्कल ढूंढा है। तो ये जो खोज है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया की बहुत वास्ट जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताते हैं। इससे पता चलता है कि इंडिया की हिस्ट्री कितनी ज़्यादा बड़ी है और कितनी पुरानी है, इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं पैलियोलिथिक लोग जो थे उस टाइम के लोग उनकी कैसी लाइफ थी। लाइफ में अगर लाइफ की बात आती है तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो होती है खाना की। तो देखते हैं इनका फूड कैसा था। ये जो लोग थे टोटली प्रिमिटिव थे, ये ज़्यादातर जो जो जिस पर ये डिपेंड करते थे खाना के लिए वो हंटिंग करते थे या फिर नेचर से जो चीज़ें मिलती थी उस पर डिपेंड करते थे। जिसमें ये खाते क्या थे, मीट खाते थे, फ्रूट खाते थे या फिर रूट को खाते थे, क्योंकि इनको ये नहीं पता था कि ग्रेन्स को कैसे ग्रो करा जाता है या फिर सब्जियाँ कैसे उगाई जाती हैं, ना ही इनको ये पता था कि खाना कैसे पकाया जाता है, कपड़े कैसे सिले जाते हैं, और ना ही उनके पास कोई घर था। उनको कोई भी जो आग है उसका कोई भी यूज़ पता नहीं था, आग के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो कच्चा मांस ही खाते थे। जब 2 लाख बीसी से 1 लाख बीसी का टाइम पीरियड था, इसी बीच में इन्होंने एक बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल डिस्कवरी की थी, बहुत बड़ी डिस्कवरी जिसने पूरी ह्यूमन काइंड को ही बदल के रख दिया, और वो डिस्कवरी थी फायर की, आग की। क्या वो आग उन्होंने जानबूझकर सोच समझकर डिस्कवर की थी, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन जो एक्सीडेंट ऐसा हुआ था वो आज तक हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, आग हमारे लिए आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो एक ऐसा एक्सीडेंट जिसने पूरी ह्यूमन लाइफ को बदल कर रख दिया वो थी डिस्कवरी ऑफ फायर। क्या एक्सीडेंट था, वो कैसे हो गया था, एक्चुअली इन्होंने 2 पीसेस ऑफ क्वार्टजाइट स्टोन को रगड़ा था जिसकी वजह से वहाँ पर चिंगारी पैदा हुई थी, और उस चिंगारी ने सूखी पत्तियों और टहनियों को टच कर लिया था जिसकी वजह से बड़ी बड़ी लपटें जो थी वो उठने लगी थी, और इससे खोज हुई थी आग की। अब जबकि इनको पता था कि आग कैसे, आग का क्या यूज़ है, उन्होंने देख लिया था आग के बारे में, इनको पता चला था, तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले जो था इन्होंने मांस को पकाकर खाना शुरू करा, और दूसरी बात जो एनिमल्स थे, जो जंगली जानवर थे, उनसे भी खुद को बचाया इन्होंने। इसीलिए जो डिस्कवरी है मैन जो फायर की, उसने पूरी मैन की लाइफ को ही बदल कर रख दिया। नेक्स्ट चीज़ आती है कपड़ों की। तो क्या वो कपड़े पहनते थे, उन्हें कपड़ों की कोई चिंता विंता तो थी नहीं, जब गर्मी होती थी तो वो अपनी बॉडी को कवर करते ही नहीं थे, लेकिन जब बारिश है या फिर ठंड है, जब उन्हें ठंड लग रही होती थी तो वो क्या करते थे कि वो जो एनिमल्स होते थे उनकी स्किन से खुद को रैप कर लेते थे, या फिर वो पत्तों से या फिर जो रहता है बार्क होती है, छाल होती है ट्री की, उससे खुद को कवर कर लेते थे। अब जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ ड्वेलिंग। ड्वेलिंग मीन्स होता है कि रहने की जगह। क्या उनका कोई रहने का जगह था, नहीं, उनका कोई घर नहीं था, वो तो घूमते फिरते अपनी ज़िंदगी को आराम से बिता रहे थे, तो उनको हम कह सकते हैं वॉन्डरर थे वो। जब उनको लगता था कि अब हमें कहीं ठहरना है तो कहाँ ठहर जाते थे, गुफाओं में, जंगलों में या फिर पेड़ के नीचे वो रह लेते थे। इसी और ये जो गुफाएं हैं इनका कुछ एग्जांपल अभी भी हमारे पास है, जैसे कि भीमबेटका की गुफाएं आज भी प्रेजेंट हैं इंडिया में।
क्या वो फूड प्रोड्यूसर थे, उन्हें पता था खाना कैसे ग्रो करना है? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ फूड कंज्यूमर्स थे। वो क्या करते थे, वो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं नेचर ने जो दी हैं, जैसे कि फ्रूट हो गए या फिर कोई भी रूट है शूट है, ये सारी चीज़ें इन पर डिपेंड रहते थे, या फिर वो एनिमल्स को हंट करके खा जाते थे। उन्हें नहीं पता था कैसे कि खेती करी जाती है या फिर कैसे जानवरों को पाला जाता है, ये सब उन्हें नहीं पता था, इसीलिए वो सिर्फ फूड को कंज्यूम करते थे, वो प्रोड्यूसर नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिस्पोजल ऑफ डेड पर्सन। क्या वो उनको डिस्पोज करते थे, कैसे करते थे? उन्हें नहीं पता था कि अंतिम संस्कार नामक चीज़ कुछ होती है, उन्हें नहीं पता था कि दफनाया जाता है जलाया जाता है, ये सब उन्हें नहीं पता था। वो तो जो भी पर्सन मर जाता था उसको खुली जगह पर छोड़कर भाग जाते थे। तो वो जो खुली जगह पर जो डेड बॉडी पड़ी होती थी उसको क्या करते थे, बर्ड्स और एनिमल्स खा जाते थे। ऐसे जो डेड पर्सन थे उनका डिस्पोजल होता था। अब देख लेते हैं पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स को। गाइस, जिस तरीके के हमें स्टोन के उनके टूल्स मिले हैं उस बेसिस पर हमने इस पीरियड को, जो पैलियोलिथिक पीरियड है, इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। अब देखते हैं लोअर पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स, ये जो टेबल दे रखी है यही हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको याद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें जो पूरी बुक पढ़ी है जिसको हमें बहुत कुछ इसमें याद करना है, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उनको याद करके अपने दिमाग की जो मेमोरी है उसको फुल नहीं करना है, हमें बचा कर रखना है, राइट? तो इसको हम याद नहीं करते हैं। देखते हैं लोअर पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स, इसमें हमें बस एक चीज़ याद रखनी है कि इन्होंने क्वार्ट्जाइट को यूज़ करा था और इम्प्लीमेंट्स बनाए थे। इस बेसिस पे जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर जिसको सोहन कल्चर बोलते हैं और हैंड एक्स कल्चर। चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर में इन्होंने क्या करा है, जो चॉपर हैं वो ज़्यादा इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं और पंजाब, वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तान में है वहाँ पर सोहन वैली में ये डेवलप हुई थी कल्चर, इसीलिए इसको सोहन कल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हैंड एक्स कल्चर, इसमें जो है इन्होंने मद्रासियन कल्चर इसको बोलते हैं क्योंकि मद्रास में जो है ये ज़्यादा फ्लरिश हुआ है और इसमें इन्होंने हैंड एक्स का ज़्यादा प्रोडक्शन किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं लोअर पैलियोलिथिक साइट्स पर, तो साइट्स में ये सारी जगह हैं जहाँ पर ये कुछ हमें चीज़ें मिली हैं इससे रिलेटेड, वो दे रखी हैं जो कि हमें याद नहीं करनी। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा कि पंजाब में कौन सी साइट है जो कि ये वाली पैलियोलिथिक साइट है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इतनी सारी साइट्स हैं हमें याद करने में काफ़ी दिक्कत होगी और याद करना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसीलिए हम इसको याद नहीं करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो चीफ स्टोन इम्प्लीमेंट मटेरियल था जो यूज़ किया गया है वो था फ्लेक, इसीलिए हम इसको फ्लेक कल्चर भी बोलते हैं। इसमें क्या करा गया है, गुड क्वालिटी के क्वार्ट्जाइट को यूज़ किया गया और फ्लेक्स बनाए गए हैं। प्रीशियस स्टोन कौन कौन से थे इस टाइम पर, चर्ट जेस्पर फ्लिंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ की गई थी। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है इस टेबल में, साइट्स दे रखी हैं, देख लो कितनी सारी साइट्स हैं। क्या ये याद करना हमारे लिए इजी है, बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम इसको याद नहीं करेंगे, ना ही ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जो पूछना नहीं है तो फिर हम वो याद क्यों करें, राइट? सो हम देखते हैं अपर या फिर लेटर पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स को, नेक्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो। इसको इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बनी थी वो थी फ्लेक एंड ब्लेड, इसीलिए इसको हम फ्लेक एंड ब्लेड कल्चर बोलते हैं। इसमें कैसे डिवाइड किया गया, जो जो टूल बनते गए उसी का नाम दे दिया है, तो फ्लेक एंड ब्लेड इसमें बने तो फ्लेक एंड ब्लेड कल्चर हो गया ये, बस इसमें इतना याद रखना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर ये ज़्यादा बने हैं वो है आंध्र प्रदेश, तो इतना हमें और याद रख लेना, अगर साइट पूछी हुई जाएगी तो आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट साइट है वो याद रख लेंगे बस। और ये अब जो नेक्स्ट है, ये टेबल दे रखी है, ये इसी साइट की टेबल दे रखी है जो कि हमें याद करनी ही नहीं है। नेक्स्ट मीसोलिथिक एज है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कल कवर करेंगे। सो टिल देन कीप योर नॉलेज।